गोरखपुर थाना क्षेत्र कुम्हार मोहल्ले में पुलिस ने कुख्यात सटोरी कैलाश चक्रवर्ती और सुभाष चक्रवर्ती के सट्टे के अड्डे पर छापामार कार्यवाही की। इस दौरान चार सटोरियों को मौके से पकड़ा गया, जिसमें सट्टा पट्टी, मोबाइल और 5,970 रुपए भी इस दौरान बरामद किए गए। हालांकि सटोरी कैलाश और सुभाष पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। गोरखपुर कुम्हार मोहल्ले में गुरुवार की दोपहर पुलिस की टीम ने कुख्यात बदमाश और सटोरी कैलाश चक्रवर्ती और सुभाष चक्रवर्ती के सट्टे के अड्डे पर रेड कार्यवाही की। पुलिस को देख सटोरियों में भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस टीम ने घेराबंदी करके चार सटोरियों को दबोच लिया, जिनसे सट्टा पट्टी, मोबाइल और 5,970 रुपए बरामद किए गए। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद बाजार से पैदल लेकर निकली। हालांकि पुलिस की रेड कार्यवाही से हड़कंप मच गया। कुम्हार मोहल्ला में सट्टा खिलाने की सूचना मिली थी, तो वहाँ पे जो है हमारी टीम के द्वारा रेड कार्रवाई की गई, जिसमें चार लोगों को सट्टा खिलाते हुए पकड़े हैं और उनके पास से जो है 5,700 रुपये नकदी बरामद हुई है और चारों को जो है अभी ला कर गोरखपुर थाने में दिया गया है। सूचना ये थी कि सुभाष चक्रवर्ती और कैलाश चक्रवर्ती, इन लोगों के द्वारा सट्टा खिलाया जाता है और उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है, इसी पर जो है रेड कार्रवाई की गई थी और जिनको हमने पकड़ा है उनके अनुसार जो है कैलाश चक्रवर्ती और सुभाष चक्रवर्ती इन्हीं का सट्टा था। उसमें से जो मौके से एक आरोपी जो है वो भाग गया था। कैलाश और वो मिले क्या सुभाष? नहीं, कॉलेज कैलाश के घर पे दबिश दी गई, बट सुभाष के घर पे भी दबिश दी गई। सुभाष जो है मौके घर से भाग गया था और कैलाश का घर जो है बंद पड़ा हुआ है। हालांकि सटोरिया कैलाश चक्रवर्ती और सुभाष अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पकड़े गए सभी सटोरियों के साथ ही इन दोनों के विरुद्ध थाना गोरखपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।